हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। मैं हूं आपका होस्ट कोमल नाहटा। तो इतने सारे विवादों में घिरे रहने के बाद फाइनली पद्मावत की रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। इट विल हिट द स्क्रीन्स ऑन 25 जनवरी, यानी रिपब्लिक डे वाले वीकेंड में। ऑफ कोर्स ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स हैं अलॉन्ग विद संजय लीला भंसाली, तो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी भी नहीं आया है, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये रिलीज डेट तय है। और ऐसे लगता है कि पिछले रिपब्लिक डे की तरह, यानी 2017 के रिपब्लिक डे की तरह, इस साल भी दो बड़ी फिल्मों का क्लैश होगा। 2017 के रिपब्लिक डे वीकेंड में क्लैश था शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के बीच, और इस साल क्लैश होगा पद्मावत और पैडमैन के बीच। संजय लीला भंसाली की पद्मावत और आर बालकी की पैडमैन, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की पद्मावत, और अक्षय कुमार, सोनम कपूर और राधिका आप्टे की पैडमैन। तो द स्टेज इज सेट नाउ। एक्चुअली 26 जनवरी को पैडमैन के साथ अय्यारी रिलीज होने वाली थी, पैडमैन बाय आर बालकी एंड अय्यारी बाय नीरज पांडे, अय्यारी स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड मनोज बाजपाई। लेकिन जैसे ही पद्मावत की रिलीज डेट अनाउंस हुई, वैसे ही अय्यारी आगे मूव कर दी गई, बिकॉज द मेकर्स ऑफ अय्यारी रियलाइज्ड दैट टू कम ऑपोजिट और इन डायरेक्ट ऑपोजिशन ऑफ पद्मावत वुड नॉट बी द मोस्ट इंटेलिजेंट थिंग टू डू। अब आप कहेंगे, तो पैडमैन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? पैडमैन आगे नहीं बढ़ सकता है, एक तो उसकी रिलीज डेट बहुत समय पहले से अनाउंस हो चुकी थी, काफ़ी सिंगल स्क्रीन सिनेमाज बुक हो गए थे। सेकेंडली, बड़े मेकर्स की जब फिल्म्स टकराती है या बड़े एक्टर्स की जब फिल्म टकराती है, एक अनरिटन ईगो वॉर शुरू हो जाता है। अगर पैडमैन अपनी रिलीज डेट या अगर पैडमैन के प्रोड्यूसर्स फिल्म की रिलीज डेट आगे बढ़ा देते हैं, इट विल बी कंस्ट्रूड अमंग्स द पब्लिक इन द मीडिया एज के डर के भाग गए। डर वाली बात नहीं है, इट रिक्वायर्स करेज टू पोस्टपोन द फिल्म बिकॉज ऑफ कमर्शियल कंसिडरेशंस। लेकिन फिर भी इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा कि अक्षय कुमार डर के आगे भाग गए। दैट इज वन मेन रीजन वाई पैडमैन और वाई द मेकर्स ऑफ पैडमैन मे नॉट बी पोस्टपोनिंग द रिलीज। ऑब्वियसली अक्षय कुमार भी एक ए लिस्ट एक्टर ही है, वो कोई छोटे एक्टर नहीं है। इनफैक्ट उनका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 2 सालों से इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है कि शायद ही कोई एक्टर can boast of this kind of a track record. Every film that Akshay Kumar does turns to gold. तो अक्षय कुमार कोई छोटे एक्टर नहीं है। Simultaneously, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर एंड रणवीर सिंह आर ऑल्सो A-list एक्टर्स। और इसलिए इस वक्त, यानी अब जब पद्मावत की रिलीज डेट अनाउंस हुई है एज 26 जनवरी और 25 जनवरी थर्सडे को रिलीज होगी, इट वॉज टू लेट फॉर पैडमैन टू पोस्टपोन इट्स रिलीज डेट। एंड पद्मावत के रिलीज डेट अनाउंस होने से पहले ही पैडमैन के मेकर्स ने यह ऐलान कर दिया था कि हम 26 जनवरी, जो कि शुक्रवार है, उस दिन आने के बजाय हम 25 जनवरी को ही अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। एंड पद्मावत आल्सो फॉलोड सूट। पद्मावत के प्रोड्यूसर्स ने भी यही अनाउंस किया कि हमारी फिल्म भी 25 जनवरी को आएगी। अब आप कहेंगे ये थोड़ा अनएथिकल है, जब पैडमैन और अय्यारी के मेकर्स ने कई हफ्तों पहले ही ये डेट फिक्स कर ली थी, 26 जनवरी वाली डेट या 26 जनवरी वाला वीकेंड फिक्स कर लिया था, तो फिर वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स और संजय लीला भंसाली बीच में कैसे कूद पड़े और उन्होंने ये डेट कैसे अपनी फिल्म के लिए ले ली? वेल, एक्चुअली इतने सारे विवादों से घिरी हुई थी पद्मावत कि अब पद्मावत के मेकर्स के अगेंस्ट उंगली उठाना भी ट्रेड में सही नहीं माना जा रहा है। बिकॉज 1 दिसंबर को रिलीज होने वाली फिल्म अगर 25th या 26 जनवरी को रिलीज होती है, तो ऑब्वियसली दे हैव ऑलरेडी सफर्ड अ लॉट इन टर्म्स ऑफ प्रमोशन, मार्केटिंग, इंटरेस्ट फैक्टर। इंटरेस्ट का मीटर चालू रहता है, एंड रिलीज पर जब फिल्म होती है तब हर प्रोड्यूसर को ऐसे लगता है कि अब मैं सारे जो कर्ज है वो चुका दूं ताकि मेरा इंटरेस्ट का मीटर बंद हो जाए। लेकिन वो इंटरेस्ट का मीटर 1 दिसंबर को बंद होने की जगह 25 जनवरी 2018 को बंद होगा। शायद अगर आप पैडमैन के लोगों से बात करें तो वो भी ये नहीं कहेंगे कि संजय लीला भंसाली या वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने कुछ अनएथिकल मूव किया है बाय अनाउंसिंग देयर रिलीज डेट ऑन 25 जनवरी, बिकॉज
इतने कंट्रोवर्सीज के बाद ये फिल्म रिलीज हो रही है वही बहुत बड़ी बात है. टू कीप दैट फिल्म इन पब्लिक मेमोरी इन द पब्लिक्स माइंड्स फॉर सो मेनी मंथ्स इट्स नॉट एनी मीन अचीवमेंट. एंड संजय लीला भंसाली एंड वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने तो बहुत सहा है, बहुत कंट्रोवर्सीज का सामना किया और इसलिए अगर वो 25 जनवरी को आते हैं इट इज़ वेल विद इन देयर राइट्स. एंड अय्यारी ने समझदारी की है बाय मूविंग अहेड दे विल नाउ कम इन फेब्रुअरी. खैर अब पद्मावत और पैडमैन का फेस ऑफ होगा तो हाउ विल इट पैन आउट, क्या होगा सिनेमाघरों में, मल्टीप्लेक्सेस में, सिंगल स्क्रीन सिनेमाज में, आइए ये देखते हैं. सबसे पहली बात तो ये कि मल्टीप्लेक्सेस उनके स्क्रीन अलॉटमेंट्स जनरली 2-3 या 4 दिन पहले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पैडमैन और अय्यारी को स्क्रीन्स अलॉट हो चुके थे या नंबर ऑफ शोज अलॉट हो चुके थे, ऐसा कुछ भी नहीं है. द मल्टीप्लेक्सेस हैड एग्रीड यस हम ये दोनों फिल्में रिलीज करेंगे. अब अय्यारी के आगे जाने से दो जो फिल्में रिलीज होगी रिपब्लिक डे वाले वीकेंड में वो है पद्मावत और पैडमैन. शोज एलोकेशन, शोज अलॉटमेंट वो तो उसी हफ्ते में होगा या एट द मोस्ट 4 or 5 डेज अर्लियर. एंड इट इज बट ऑब्वियस कि पद्मावत को प्रेफरेंस दी जाएगी. इसके कई कारण हैं. एक तो संजय लीला भंसाली की फिल्म है, दूसरी ये मल्टी स्टार कास्ट फिल्म है, 3 ए लिस्ट एक्टर्स, 3 बहुत बड़े बहुत सेलेबल एक्टर्स. यहां पर हम थोड़ा फ्लैशबैक करते हैं. 2 सालों पहले दिसंबर में 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, संजय लीला भंसाली की बाजीराव मस्तानी और शाहरुख खान रोहित शेट्टी की दिलवाले. उस समय लोगों ने सोचा था द अंडरडॉग इज बाजीराव मस्तानी एंड सभी ने प्रेफरेंस दिया था दिलवाले को. देर वॉज अ लॉट ऑफ हार्ट बर्न अमंगस्ट द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद बाजीराव मस्तानी. इन द फाइनल टैली, इन द अल्टीमेट एनालिसिस, बाजीराव मस्तानी ओवरटुक दिलवाले. बाजीराव मस्तानी एक सक्सेसफुल फिल्म बन के रह गई एंड दिलवाले कुड नॉट इवन ब्रेक इवन. ये तो रिलीज के बाद, बट रिलीज से पहले मल्टीप्लेक्सेस ऑल ऑफ देम शोड देयर प्रेफरेंस फॉर दिलवाले इंस्टेड ऑफ बाजीराव मस्तानी. 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया है. बाजीराव मस्तानी के सक्सेस के बाद अब संजय लीला भंसाली शायद अपने करियर की, अब तक के करियर की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म लेके आ रहे हैं और वो है पद्मावत. तो मल्टीप्लेक्सेस को ये अंदेशा है, ये जानकारी है कि इस बार संजय लीला भंसाली ने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई होगी. यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो इनसाइडर्स ने फिल्म देखी है उनका कहना है कि वाकई में ये संजय लीला भंसाली के करियर की बेस्ट है. एंड कुछ लोग तो ये कहते हैं, ये मानते हैं कि शायद ये अब तक की बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट साबित हो सकती है. और अगर ये ईयर से है, अगर ये बातें ट्रेड में घूम रही है, तो ऑब्वियसली ट्रेड के ही लोग हैं, मल्टीप्लेक्स के जो शोज एलोकेट करते हैं वो भी इस ट्रेड को ही बिलोंग करते हैं और इसलिए भी वो पद्मावत को प्रेफरेंस देंगे ओवर पैडमैन. माइंड यू दिस डज नॉट मीन दैट पद्मावत विल prove to be a hit or a blockbuster or a super hit and that Padman will not run. Of course, dono filme chal sakti hai, dono filme chalegi in all likelihood. Of course, Padman can supersede Padmavat. You never know. Thursday ya Friday, kya bazi kholta hai, wo koi nahi keh sakta hai. Kyunki public hi decide karti hai, unko kaun si film अच्छी लगती है, कौन सी बुरी लगती है, दो फिल्में साथ में आती है तो कौन सी बेहतर लगती है, कौन सी कम अच्छी लगती है, कौन सी हिट करेंगे, कौन सी फ्लॉप करेंगे, ये कोई कुछ नहीं कह सकता है बिफोर रिलीज. एंड देयरफॉर द मल्टीप्लेक्सेस एलोकेटिंग मोर शोज टू पद्मावत इज बिकॉज ऑफ द कंडीशंस सराउंडिंग दैट फिल्म. एक्चुअली जब पद्मावत की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई थी तब पैडमैन और अय्यारी आने वाले थे, तो यू कहिए ट्रेड ने ये सोच लिया था कि पैडमैन को मल्टीप्लेक्सेस करीब 60-65% शोज देंगे एंड अय्यारी को प्रॉबेबली 35-40% शोज देंगे. अब शायद बाजी एकदम उल्टी हो जाएगी, शायद पैडमैन को 40% शोज मिले एंड पद्मावत को 60% शोज मिलेंगे बिकॉज ऑफ द कंट्रोवर्सी सराउंडिंग पद्मावत, बिकॉज इट्स मेकर संजय लीला भंसाली, बिकॉज इट इज़ अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, बिकॉज इट इज़ अ फैमिली फिल्म. पैडमैन के प्रोमोज देखकर, ट्रेलर्स देखकर, इट कैन टर्न आउट टू बी अ फैमिली फिल्म, लेकिन प्रोमोज और ट्रेलर से ये
फीलिंग नहीं आती है कि ये शायद पूरी फैमिली के लिए बनी है, लेकिन पद्मावत के ट्रेलर्स को देखकर ऐसा क्लियरली लगता है कि ये पूरी फैमिली एक साथ बैठकर एंजॉय कर सके। एक और रीज़न है पैडमैन का फॉर इट नॉट लुकिंग लाइक अ फैमिली फिल्म, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अडल्ट थीम। इट टॉक्स अबाउट सैनिटरी पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स, और इसलिए शायद ये फैमिली एक साथ बैठ कर देख सके ऐसा ना हो। ऑफकोर्स दूसरे तरीके से देखें तो ये टॉपिक ही इसलिए लिया है आर बाल्की ने बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्रॉबली रिमूव द टैबू एसोसिएटेड विद द वर्ड्स सैनिटरी नैपकिन्स, सैनिटरी पैड्स। लेकिन इसमें भी टाइम लगेगा, जब फिल्म देखेंगे तब शायद लोग ये कहें कि यस ये फैमिली के साथ देखी जा सकती है। जैसे शुभ मंगल सावधान, इट टैकल्ड अ वेरी टैबू टॉपिक, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, मगर उस समय जब फिल्म लगी थी तब लोगों को नहीं एहसास था कि हम फैमिली के साथ ये फिल्म देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद फैमिलीज की फैमिलीज जाने लगी फिल्म देखने के लिए, कुछ लोगों को अटपटा लगा, कुछ लोगों को अटपटा नहीं लगा। तो पैडमैन के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन पर से ऑन द फेस ऑफ इट अभी ऐसा नहीं लगता है। इसलिए नंबर ऑफ शोज की अगर हम गिनती करते हैं तो शायद पद्मावत को ज़्यादा शोज मिलेंगे, एंड नॉट जस्ट मार्जिनली, काफ़ी ज़्यादा शोज मिलेंगे इन एवरी मल्टीप्लेक्स। सिंगल स्क्रीन सिनेमाज का जहाँ तक सवाल है, वेल पैडमैन मस्ट हैव बुक द सिंगल स्क्रीन सिनेमाज एंड देयरफॉर दे वुड हैव स्टोलन अ मार्च ओवर पद्मावत एज फार एज सिंगल स्क्रीन सिनेमाज आर कंसर्न। क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स को इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता, बिकॉज दैट वुड टैंटामाउंट टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो जो अय्यारी के लिए सिंगल स्क्रीन सिनेमाज तय कर लिए गए थे शायद वो पद्मावत के हिस्से आएंगे। पद्मावत के मेकर्स को शायद उन सिंगल स्क्रीन सिनेमाज से ही कंटेंट रहना पड़ेगा। अब कौन सी फिल्म बड़ी है? ऑब्वियसली पद्मावत बड़ी है। एक तो बजट वाइज पद्मावत का बजट एज कंपेयर टू पैडमैन्स बजट, इट इज़ फार मोर, फार फार मोर देन पैडमैन्स बजट। तो बजट वाइज डेफिनेटली पद्मावत बड़ी है। सेकेंडली मेकर, फिल्म मेकर कौन है? पद्मावत के डायरेक्टर है संजय लीला भंसाली, पैडमैन के डायरेक्टर है आर बाल्की। ऑब्वियसली संजय लीला भंसाली का ट्रैक रिकॉर्ड आर बाल्की के ट्रैक रिकॉर्ड से बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, बहुत ज़्यादा आगे है। थर्डली स्टार कास्ट, पैडमैन में है अक्षय कुमार, ऑफकोर्स अक्षय कुमार इज़ एन ए-लिस्ट एक्टर, लेकिन इस फिल्म में पद्मावत में तीन ए-लिस्ट एक्टर्स हैं, दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह। अब पैडमैन के अक्षय कुमार, उनके पिछले दो साल की फिल्में अगर हम देखें तो उनकी चॉइस एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग चॉइस है। उस हिसाब से पैडमैन पर बहुत ज़्यादा आशाएं हैं, बिकॉज अगर उनकी चॉइस वैसी ही है जिस तरह की 2016 और 2017 की फिल्मों में थी तो डेफिनेटली पैडमैन एक सक्सेसफुल फिल्म बनकर रहेगी। बट दीपिका पादुकोण भी कोई कम नहीं है, दीपिका पादुकोण का करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, उन्होंने भी बहुत सारी सक्सेसेस डिलीवर की है इन रीसेंट टाइम्स। सिमिलरली रणवीर सिंह, उनके चॉइस के बारे में भी हम ये कह सकते हैं दैट इज़ वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग हिज फिल्म्स एंड चूजिंग हिज फिल्म्स। शाहिद कपूर में नॉट हैव बीन सो लकी, लेकिन शाहिद कपूर की लास्ट रिलीज जो थी उड़ता पंजाब वो एक सक्सेसफुल फिल्म थी। सो He is also an A-list actor who may not have selected the right films, but Deepika Padukone and Ranveer Singh ki choice hamesha hi achhi rahi hai. Which brings us to the next point, ki business bhi Padmavat ka zyada hona chahiye taki Padmavat can break even. Padmavat ka break even point will be far ahead of Padman's break even point. Misal ke taur par, पैडमैन अगर 100 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करती है इन इंडिया, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, शायद उसका ब्रेक इवन पॉइंट रीच हो जाता है। लेकिन पद्मावत को 150, 250, शायद 200 करोड़ करना पड़े फॉर इट टू ब्रेक इवन। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी पद्मावत की पैडमैन के कई बाद शुरू होगी। ये भी कहना काफ़ी सेफ होगा कि 25 जनवरी को पद्मावत को बहुत बड़ी ओपनिंग मिलेगी, पैडमैन की ओपनिंग भी अच्छी होगी। अक्षय कुमार हैज ऑलवेज मैनेज्ड गुड इनिशियल्स, समटाइम्स वेरी गुड इनिशियल्स आल्सो, लेकिन अफलातून ओपनिंग मिली हो अक्षय कुमार की फिल्मों को ऐसा कम देखने को मिला है। वेर एज संजय लीला भंसाली की फिल्मों को कभी कभी बहुत अच्छा ओपनिंग मिलता है, बाजीराव मस्तानी को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी, रामलीला को बहुत अच्छी ओपनिंग मिली थी, एंड माइंड यू रामलीला एंड बाजीराव मस्तानी, बोथ दीज फिल्म्स वर मेड बाय संजय लीला भंसाली, बोथ दीज फिल्म्स हैड स्टार्ड
दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह इन द लीड रोल्स. तो देर इज नो रीजन व्हाई पद्मावत को टेरिफिक ओपनिंग नहीं मिले, एंड देयरफॉर देर इज ऑल रीजन टू बिलीव दैट पद्मावत वुड टेक अ ग्रेट स्टार्ट. अगेन लेट अस रीइटरेट वंस अगेन एंड लेट अस एम्फसाइज वंस अगेन कि इस फीचर करने का इंटेंशन ये नहीं है कि पद्मावत इज अ हिट, डिक्लेयर्ड हिट, एंड पैडमैन इज नॉट अ हिट. नो, एनी फिल्म कैन प्रूव टू बी हिट. पैडमैन कैन प्रूव टू बी अ बिगर हिट देन पद्मावत. पद्मावत कैन प्रूव टू बी अ ब्लॉकबस्टर. पैडमैन मे नॉट बी अ ब्लॉकबस्टर. सो एवरी एंड एनी इवेंचुअलिटी इज पॉसिबल. कुछ भी हो सकता है. हम कहते कुछ भी हो सकता है फ्राइडे को, लेकिन इस बार हम कहेंगे कुछ भी हो सकता है थर्सडे को. थर्सडे को एक आइडिया आ जाएगी विच फिल्म इज हेडेड टूवर्ड्स वॉट. बट दिस क्लैश इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. मीडिया इसे बहुत ज्यादा माइलेज देगा, कवरेज देगा. ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है क्लैश ऑफ द टाइटैंस. यस, क्लैश ऑफ द टाइटैंस हो रहा है. बट पद्मावत को एक बहुत बड़ी मुसीबत का सामना फेस करना पड़ेगा, और वो है बैंस. कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि हम पद्मावत को हमारे स्टेट में रिलीज नहीं होने देंगे ड्यू टू फियर दैट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगा. नाउ दिस इज द ट्रेजेडी, क्योंकि जिस बॉडी ने इस फिल्म को सर्टिफाई किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नियुक्त की गई बॉडी है. द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अपॉइंटेड बाय द INB मिनिस्ट्री. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी ने उस फिल्म को पास किया है, एंड सम स्टेट गवर्नमेंट्स आर सेइंग वी विल नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ द फिल्म इन आवर स्टेट्स. नथिंग कुड बी मोर इलॉजिकल, मोर रिडिकुलस, मोर इरेशनल देन दिस. लेकिन ये हो रहा है, एंड इसका सामना पद्मावत को एंड पद्मावत के मेकर्स को करना पड़ेगा. हो सकता है 25 जनवरी से पहले सेटलमेंट हो जाए उन स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ. हो सकता है संजय लीला भंसाली एंड वाईकॉम 18 मोशन पिक्चर्स को कोर्ट्स के दरवाजे खटखटाने के पड़े ताकि उनकी फिल्म हर स्टेट में रिलीज हो. बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स अ ड्यूली सर्टिफाइड फिल्म, ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ओनली सर्टिफाइंग अथॉरिटी इन द कंट्री, विच इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन. लेकिन जैसा हम कह रहे हैं कि हो सकता है अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पद्मावत वुड हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन, बिकॉज कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने ही ये ऐलान कर दिया है कि हम हमारे स्टेट्स में इस फिल्म का प्रदर्शन नहीं होने देंगे. दैट इज अ ट्रेजिक सिचुएशन, बट इट इज ऑल्सो अ ट्रू सिचुएशन. इट इज अ सिचुएशन विच एग्जिस्ट. तो ऑल आईज नाउ ऑन 25 जनवरी. 25 जनवरी को क्या होता है? पद्मावत आगे जाती है या पैडमैन आगे जाती है, या दोनों नेक टू नेक रहती है? फर्स्ट डे कलेक्शंस क्या होते हैं? सेकेंड डे कलेक्शंस, जो कि 26 जनवरी की छुट्टी का दिन है, नेशनल हॉलिडे का दिन है, उस दिन क्या पोजीशन रहता है? फर्स्ट एक्सटेंडेड वीकेंड का पोजीशन क्या रहता है? चार दिनों का वीकेंड होगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. एंड फर्स्ट वीक में क्या पोजीशन होती है? लाइफ टाइम में क्या कलेक्शंस उभर कर आते हैं, ये सब देखने वाली बात होगी. एंड पद्मावत के इतने कंट्रोवर्सीज के बाद वेदर इट इज अलाउड टू बी रिलीज इन पीसफुल एटमॉस्फियर वो होगा या नहीं, वो देखने वाली बात है. बट ये क्लैश बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आई है, एंड वी वुड ओनली से लेट्स जस्ट होप दैट बोथ द फिल्म्स क्लिक एंड क्लिक इन सच अ बिग वे. क्योंकि 2017 इतना बुरा रहा है, टाइगर जिंदा है नॉट विद स्टैंडिंग. ओवरऑल सक्सेस रेशियो 9-10% ही था, 8-9-10% ही था, और इसलिए ऑल्सो द ट्रेड डिजर्व्स दैट 2018 begins on a fantastic note. Of course, सबसे बेहतर बात यह होती कि पैडमैन भी आगे हो जाती, या पद्मावत 25 जनवरी को रिलीज ना होती, शायद 19 जनवरी को आती या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आती, क्योंकि सिनेमा वालों को मजा बहुत ज्यादा आता. उनको देखने के लिए, रिलीज करने के लिए दो फिल्में मिलती, ना कि एक हफ्ते में दो फिल्में साथ में. ये दो फिल्में अगर दो हफ्तों में बढ़ जाती तो एग्जीबिशन ट्रेड का शायद एक तरीके से कल्याण हो जाता, लेकिन वो तो अब होने से रहा. वी डोंट थिंक दैट पद्मावत वुड मूव अहेड और कम बिफोर 25 जनवरी. वी ऑल्सो डोंट थिंक दैट पैडमैन वुड नाउ मूव अहेड इंस्टेड ऑफ 25 जनवरी. इट विल नॉट मूव टू अ न्यू डेट. तो वो तो अब तय है कि ये क्लैश होगा, जो कि एग्जीबिशन ट्रेड, जिस क्लैश से एग्जीबिशन ट्रेड खुश नहीं है. Ideally, they would have wanted these two films to come on two different dates. Lekin wo to ho nahi sakta hai. So let us now sit back and see the fireworks at the box office and just hope
कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड दैट भगवान करे दोनों फिल्में चले और दोनों फिल्में बहुत जम कर चले। एंड इनफैक्ट दोनों साथ में रिलीज हो रही है, उससे नुकसान दोनों का होगा। ऐसा नहीं है कि पैडमैन को पद्मावत भारी पड़ेगी, ऑफकोर्स वो तो भारी पड़ेगी, एंड देयरफॉर पैडमैन इज एट अ लॉस एज फार एज नंबर ऑफ शोज आर कंसर्न। पैडमैन वुड बी एट अ लॉस बिकॉज प्रॉबेबली द फर्स्ट चॉइस ऑफ द ऑडियंस वुड बी पद्मावत। बट इसका ये मतलब नहीं कि पद्मावत को असर नहीं पड़ेगा या फर्क नहीं पड़ेगा। पद्मावत अगर सोलो रिलीज होके आती तो उसके कलेक्शंस कुछ और ही होते, कुछ निराले ही होते। अब पद्मावत वुड हैव टू कंटेंड विद द रिलीज ऑफ पैडमैन ऑन द सेम डे, एंड देयरफॉर पद्मावत की ऑडियंस भी बट जाएगी। सिर्फ पद्मावत के लिए लोग नहीं आएंगे, कुछ ऑडियंस पैडमैन को देखने भी जाएगी, चाहे वो फर्स्ट डे हो, सेकेंड डे हो, फर्स्ट वीकेंड हो। तो पद्मावत को भी फर्क पड़ेगा। किसको कितना फर्क पड़ेगा वो तो आने वाले दिन ही बताएंगे, बट बोथ द फिल्म्स वुड स्टैंड टू लूज बिकॉज अ क्लैश हैज नेवर बेनिफिटेड एनीवन, अ क्लैश हैज नेवर बेनिफिटेड एनी फिल्म, अ क्लैश इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ ईच फिल्म इन्वॉल्व इन द क्लैश, अ क्लैश इज ऑलवेज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेड एट लार्ज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, हमारी मुलाकात अब कल फिर होगी ETC बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार, एक्साइटिंग, एजुकेटिव एपिसोड में। इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए BBiz स्पेस छोड़िए, टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर, अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751। यू कैन फॉलो अस ऑन ट्विटर @ETC बॉलीवुड। दिस इज कोमल नहाटा बिडिंग यू गुड बाय।